डियर इलेक्ट्रिसिटी से ये नेटवर्क बेस टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का हमको फाइंड करना है, और यहाँ पे टोटल एट रेसिस्टेंस अरेंज है इस सर्किट में, और ये ए से बी के टर्मिनल के बीच में अक्रॉस कितना टोटल रेसिस्टेंस होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस टोटल क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो गिवन सर्किट है इसको समझना होगा कि कैसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, और इसको हम अगर रिड्यूस करें, अगर फिर से रिट्रेस करें तो किस तरह से शेप में आएगा। तो अगर बात करूं कि अगर ये सर्किट को अगर मैं रिट्रेस करूं, तो सबसे पहले पैटर्न समझिए, एक टर्मिनल हमारा यहाँ है और एक टर्मिनल यहाँ है, मतलब ये अपर पर्सन हो गया और ये लोअर पर्सन, ये तो साफ साफ पैरेलल दिख रहा है, और पैरेलल में एक कनेक्शन यहाँ पे है। तो अगर मैं ऐसे इसको रिट्रेस करके बना सकता हूँ, देखिए ये एक है, या हम इसको नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नीचे ही बना दे रहा हूँ, देखिए क्या है, ये आर वन और नीचे R2, ठीक है, और उसके बाद ये टर्मिनल, ये दोनों को मैं बात कर रहा हूँ, फिर से ये दोनों इसको रिट्रेस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अपर पोर्शन को ऐसे हम लोग रिट्रेस करेंगे, और ये फिर से देखिए अब लोअर पोर्शन को, यहाँ से हमारा टर्मिनल हो जाएगा, ये एक टर्मिनल हो जाएगा और दूसरा ये टर्मिनल, फिर से अब लोअर हम आ रहे हैं, लोअर में भी फिर से वही होगा, ये और ये, आप चाहिए तो इसको भी पहले लिख सकते हैं या इसको, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक। ये टर्मिनल हो गया ए और ये टर्मिनल हो गया बी। अब यहाँ पे ये आर वन हो गया, आर वन टू ओम, R2 2 ओम, सभी दिया हुआ है 2 ओम, R3 2 ओम, R4 2 ओम, इसी को लिख देते हैं R7 और R8, R7 2 ओम, R8 2 ओम, R6 2 ओम, R5 2 ओम। तो ये ऐसे हो सकता है, इस सर्किट को हम लोग ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि R1 और R2 2 ओम है, R1 R3 नहीं, R1 और R2 जो है पैरेलल में है, उस सिमिलरली R3 एंड R4 भी पैरेलल में है, और जितने भी रेसिस्टेंस है सबका वैल्यू 2 ओम है। तो ये जितना वैल्यू आएगा उतना ही ये सबका वैल्यू आएगा, मैंने एक का जितना वैल्यू आएगा सबका उतना ही वैल्यू आएगा। तो ये एक दो तीन चार अरेंजमेंट है, तो हम सबसे पहले एक का निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लिख रहा हूँ कि सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल अरेंजमेंट में हम मान रहे हैं कि इसका जो है आर ए मान ले रहे हैं, ए इसका नेट रेसिस्टेंस आर ए मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, क्या हो जाएगा, वन बाई आर ए इक्वल टू वन बाई टू प्लस वन बाई टू, वन बाई टू प्लस वन बाई टू, एलसीएम लेंगे टू, वन प्लस वन, तो वन बाई आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई आर ए इक्वल टू टू बाई टू, यानी कि वन ओम, मैंने आर ए इक्वल टू क्या हो गया, वन ओम, ठीक है, वन ओम, ठीक है। अब इसका भी सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में है, तो इसका अगर आर बी मानते हैं तो इसका हम आर बी मान रहे हैं, सिमिलरली लिख दे रहे हैं, सिमिलरली वी कैन सॉल्व अदर एंड आर, इसको इसका नेट हम आर बी मान रहे हैं, तो आर बी इक्वल टू भी कितना होगा, वन ओम, इसका मान रहे हैं आर सी, आर सी भी कितना होगा, वन ओम, और इसका मान रहे हैं आर डी, आर डी नेट, ये आर आर क्या है, ये नेट रेसिस्टेंस, ये दोनों का टोटल सॉल्व करने पर नेट रेसिस्टेंस आया वन ओम, उसको आर ए से, ये दोनों को सॉल्व किया उसको बी से, इसको सी से और इसको डी से, वन ओम, सबका वन, क्यों, क्योंकि सभी का रेसिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या होगा, वन ओम आएगा। और फिर से ये सर्किट क्या बन जाएगा, देखिए नाउ सर्किट बिकम्स, अब ऐसा हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक बन गया, ये दोनों मिलके एक बन गया है, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों मिलके एक बन गया है, ठीक है, ये दोनों मिलके भी एक बन गया है, ठीक है, और ये टर्मिनल बी और ये टर्मिनल ए, ऐसा, ठीक है। अब ये हो गया आर ए वन ओम, आर बी
1 ohm, RC 1 ohm, RD 1 ohm. ठीक है, अब ये देख रहा है कि ये दोनों क्या हैं, सीरीज में हैं, और ये दोनों भी सीरीज में हैं. अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको निकाल ले रहे हैं सिंस. इसके बाद देखिएगा, यहाँ के बाद ये डायग्राम हम लोग बना लिया. अब हम बोल रहे हैं कि आर ए एंड आर बी जो है आर इन सीरीज, सीरीज में है. तो सीरीज में है तो इसका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, नेट रेसिस्टेंस ये दोनों का, आर ए और आर बी को हम आर डैश मान रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं और पैरेलल में 1/2 करके हम लोग पैरेलल में सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 1/2 आर ए प्लस आर बी, तो आर डैश इक्वल टू आर ए कितना है 1+1, यानी क्या हो गया 2 ओम. आर डैश कितना आ गया 2 ओम. सिमिलरली ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिमिलरली हम लोग इसको मान रहे हैं आर डबल डैश, नेट रेसिस्टेंस ऑफ आर सी एंड आर डी का नेट रेसिस्टेंस आर डबल डैश मान रहे हैं, ये भी 1+1 कितना हो जाएगा 1+1 इक्वल टू 2 ओम. अब देखिए, नाउ सर्किट कैसा हो जाएगा, देखिए अब ये दोनों मिल के एक हो गया है. अब ये दोनों मिला दिए, इसको मिला दिए, अब ये हो गया ए और ये हो गया बी. अब ये दोनों मिलके कितना आया था 2 ओम, आर डैश माने थे इसको 2 ओम, और ये आर डबल डैश ये भी 2 ओम आया था. अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में है. ठीक है, तो नाउ सिंस हम लोग लिखेंगे कि आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस आर मान रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनल राउंड हो गया, फाइनल राउंड को हम लोग आर मान रहे हैं. ठीक है, 1/r' + 1/r" यानी 1/2 + 1/2, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 LCM, 1+1 यानी 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब r इक्वल टू कितना आया 1 ohm. ये फाइनल आंसर आ गया इस सर्किट का 1 ohm. तो इस तरह से नेटवर्क को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करके और सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस भी करिएगा.